ये कार्यक्रम छोटा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। आप सबने घनघोर परिश्रम किया। देखो हम नेतागण तो भाषण देके निकल जाते हैं, लेकिन बूथ पे एक एक वोट की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो अपने बूथ के कार्यकर्ता लड़ते हैं। कई दिनों तक घर घर जाना, संपर्क करना, पार्टी की रीति नीति पहुंचाना, और अगर जनता को कुछ सुनना सुनाना भी हो तो वो बूथ के कार्यकर्ता ही को सुना देती है। और फिर प्रतिद्वंदी का मुकाबला करना, एक एक वोट के लिए लड़ाई होती है। कैसे एक एक वोट बीजेपी को मिल जाए, ये काम अगर कोई करते हैं तो हमारे बूथ की टीम करती है, बूथ के अध्यक्ष और बूथ की जो टीम है वो करती है। हम लोग कहते भी बूथ जीता तो चुनाव जीता। काम कितना ही अच्छा हो जाए लेकिन अगर बूथ का कार्यकर्ता उसको जनता तक ना ले जाए और वोट निकाल के ना लाए तो फिर सफलता मिल नहीं सकती। ये बात सच है कि मोदी जी जैसे चमत्कारी नेता जो जनता के दिलों में बसते हैं वो हमारे पास है। उनकी लोकप्रियता, विकास के लिए किए गए और जन कल्याण के लिए किए गए उनके काम, केंद्र सरकार के काम, प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन और कार्यकर्ता का अटूट परिश्रम। अब आपने यहां 38 बूथों में 10,000 वोटों से जिताया है। ये साधारण विजय नहीं है, यह असाधारण विजय है। मतलब एवरेज अगर देखें तो 250 से लेकर 250-300 वोट के बीच में एक बूथ से आप जीते हैं एवरेज। और ये अगर सब जगह हो जाए तो फिर तो क्लीन स्वीप कर जाए। इसलिए मेरे मन में आया, अध्यक्ष जी को, कर्मवीर जी को मैंने कहा कि बड़े नेताओं से चर्चा होती रहती है, होगी भी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है एक बार बूथ के कार्यकर्ता को गले लगा लूं और उनका स्वागत करूं जिन्हें हरी वोटों से जिताया। और इसलिए कोई नेता के नाते नहीं, आपके साथी कार्यकर्ता के नाते आज आपसे मिलने आया। हम सब आएंगे, अकेला नहीं। और यही कार्यकर्ता आगे भी महाविजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करवाएंगे। एक बात आप ये समझ लेना, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनना कोई साधारण घटना नहीं है। 1962 के बाद पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार और मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। एक बार बनते हैं तो उनके नाराजगी, दूसरों के खिलाफ जो नाराजगी थी उसके कारण बनते हैं, लेकिन तीन बार अगर बने तो अपने काम के आधार पर और जनता की अटूट श्रद्धा और विश्वास के आधार पर। मैं झारखंड के नेतृत्व को और आप सब कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि हमने शानदार प्रदर्शन किया है। हम 50-51 सीटों पर जीते हैं विधानसभा की, 9 लोकसभा की सीटें जीते हैं। तो हमारी विजय बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि जैसे हार के भी वो जीत रहे हो। हमारी 9 है उनकी 5, हमारी 243 है उनकी 99। 99 वाले मस्ती में, तो हम क्या, तुम ऐसे ही मस्त रहो जिंदगी भर, 99 ही लेते रहो। लेकिन हमने शानदार बहुमत प्राप्त किया है। बहुत लंबी बात नहीं करना, ये अभिनंदन कोई ऐसा नहीं कि कोई कर्मकांड है। अंतर आत्मा से दिल की ये इच्छा थी कि अपने प्रिय कार्यकर्ताओं के
सम्मान में हाथ बटाएं। और यह अभी शुरुआत है, अभी विधानसभा के सम्मेलन कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए हो रहे हैं, बाकी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगले समर की तैयारी। अराजकता के राज में डुबो दिया है झारखंड को, कुशासन का प्रतीक है झारखंड की सरकार, यह कानून व्यवस्था जीरो है, माता बहनों की इज्जत और असमत से खेला जा रहा है, रेत बजरी कोयला लूटा जा रहा है, विदेशी घुसपैठिए खुल के खेल रहे हैं। ऐसी सरकार पूरी तरह से तबाह झारखंड को कर देगी, ये हमारा संकल्प है, झारखंड बचाओ। और वो बचा सकती केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आइए अभिनंदन का कार्यक्रम संकल्प के रूप में भी बदल जाए और हटिया विधानसभा में और अपने मंडल से, अभी आपने बड़ी लाइन खींच दी है 10,000 वाली, अब आगे संकल्प लें, 10,000 में बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? तो आज यही संकल्प लेके जाएं कि ऐसे बढ़े कि मामा फिर आपका स्वागत करने आए। एक बार फिर आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन। हम लोग कोशिश करेंगे हर कार्यकर्ता को गले लगाएं, स्नेह दें, प्यार दें, आत्मीयता दें, क्योंकि हम जैसे लोग जो मंदिर के कलश के रूप में दुनिया देखती दूर से, वो ये जानते हैं कि कलश जिस शिखर पर टिका है, शिखर जिस दीवारों पर टिकी है, वो दीवार नींव के पत्थर के कारण है और वो नींव का पत्थर ये कार्य करता है। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अगली बार विजय का नया रिकॉर्ड बनाइए। धन्यवाद। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।